सरकार में कितना विकास हुआ? अभी विकास हुआ लेकिन विनाश भी हुआ है। काल के चलते तमाम मौतें हुई लोगों का आरोप है। सरकार की कितनी अच्छी कार्यशैली है कि उसने कंट्रोल किया। सभी पार्टियां लुभावनेवादी कर रही हैं। ऐसे में युवाओं का क्या मानना है, युवा किस मुद्दे पर वोट देंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी को अपना काम धाम देखना चाहिए, इन सब पार्टियों के लफड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इस बार विधानसभा चुनाव में जो जनता का रुख है वो किस तरफ? भैया जनता तो हम लोग आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद की तरफ ही है। आम जनता जो है वो किस तरीके से जो इस चुनाव को देखती है, उसकी क्या राय है? देखिए जनता जो है ये इस करंट सरकार से एकदम त्रस्त है। इसमें आम जनता जो है उसका क्या मानना है? पर ये कहना था अगर जनता का भला ही किया जा रहा है तो जनता के बीच में आकर के भला करें। ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है, क्या राय है उधर? ठीक है, मोदी जी भी जो है से मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं गरीब आदमी के लिए एकदम काम सही कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अलग अलग वर्गों को साधने के लिए अलग अलग सम्मेलन किए जा रहे हैं, चुनावी रैलियां की जा रही हैं, रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जनता का रुझान इस बार किस तरफ है और जनता किसके सर पर यूपी का ताज सजाएगी। ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम राजधानी लखनऊ की सड़कों पर निकली और जनता से बात करके जाना कि जनता का रुझान इस बार किस तरफ है। क्या कर क्या गोंडा बहराइच लखनऊ सब बराबर कर दिए हैं। अब तो क्या इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार तो आगे आने वाला वक्त बताएगा किसकी बनाएगी। अगर विकास की बात की जाए इस सरकार में कितना? नहीं कोई पक्का पता। इस सरकार में कितना विकास हुआ? अभी विकास हुआ लेकिन विनाश भी हुआ है। अच्छा विनाश भी हुआ है। पर कई शमशान घाटों में पड़ी रही लोगों का आक्रोश भी है। कोरोना काल के चलते तमाम मौतें हुई लोगों का आरोप है तो बीजेपी से एक दुनिया पे है, पूरी दुनिया पे है भाई, पूरे इंडिया में थोड़े मरे हैं, पूरी दुनिया में मरे हैं। इस सरकार की देखिए, सरकार की कितनी अच्छी कार्यशैली है कि उसने कंट्रोल किया, पोजीशन को कंट्रोल किया उसने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया। बिल्कुल अगर कोरोना कंट्रोल किया तो उसके बाद भी तमाम मौतें वैश्विक महामारी थी, मौतें हो सकती हैं, लेकिन अगर अगर तीसरी लहर की बात की जाए, तीसरी लहर आने वाली है, लोगों की जागरूकता खत्म हुई, सरकार भी ढीली पड़ी। सरकार आगे भी व्यवस्था करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, कंट्रोल करेगी। अभी हमारे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी विधानसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टियां लुभावनेवादी कर रही हैं, ऐसे में युवाओं का क्या मानना है, युवा किस मुद्दे पर वोट देंगे? युवाओं को क्या है कि अपना रोजगार मिले, दूसरी चीज कि यहाँ आम पब्लिक जो परेशान है इसको भी कोई कार्यभार मिले, दूसरी चीज यहाँ जानने के लिए ये है मैं किसी पार्टी या किसी जात या व्यक्ति का मैं एक दुर्व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी को अपना काम धाम देखना चाहिए, इन सब पार्टियों के लफड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये तो है कि सरकार किसी न किसी पार्टी में, सरकार जो बनती है वो हमारी बनती है, राजनीतिक पार्टियाँ तो राजनीतिक सरकार हमारी होती है, लेकिन बात की जाए मौजूदा सरकार द्वारा कितना विकास किया? विकास के मामले में सोचिए कि मैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा से हूँ, वहाँ पर लाइट और खंबे का मान लूँ तो 1995 या मैं पैदा मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1996, तब से लाइट की सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं थी, लोगों को बात करने में बहुत ज़्यादा असुविधाएँ होती थी। आज वहाँ मैं रह के आया हूँ दो दिन पहले, 24 घंटे में 21 घंटे मुझे बिजली मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया? बिल्कुल विकास किया है। तो इस बार विधानसभा चुनाव का जो है रिजल्ट जनता क्या देगी? जनता यही देगी कि जो अच्छा आगे चल के काम करेगा, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट एक बार फिर बनेगी। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव पे उनकी क्या राय है। भाई साहब आप जब नहीं बात करना चाह रहे, और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं, एक भैया है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र कुमार पांडे। धर्मेंद्र जी इस बार विधानसभा चुनाव में जो जनता का रुख है वो किस तरफ हो? भैया जनता तो हम लोग आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद की तरफ ही है, और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की हर जनता से भी यही अपील चाहते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रहित सर्वोपरि है, उसी को लेकर चलना चाहेंगे, और योगी बाबा को पुनः एक बार उनका हम लोग साथ चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा, 5 साल मायावती, 5 साल अखिलेश, बहुत से लोग आए, बहुत कुछ किए, लेकिन एक जो सुरक्षा की अहम भावना होती है, जैसे यहाँ लखनऊ पॉलीटेक्निक चौराहे पे खड़े हैं, हमारा अयोध्या धाम घर है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था हम अपने आप को जितने सुरक्षित आज महसूस कर रहे हैं यहाँ, यही आज के 4.5 साल पहले नहीं महसूस करते थे, जो सुरक्षा की भावना है, इसलिए एक बार योगी सरकार को फिर से मौका देंगे। क्या इससे पहले जो सरकारें थी उनमें सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? अखिलेश यादव ने तो जो है आपका डायल 100 का ऑफिस दिया कि तुरंत मदद पहुँचाई जाएगी।
वो भी सब कुछ ठीक था, लेकिन एक आत्मीय सुरक्षा वाली बात है, एक आम जन से, आम जनमानस से आप बात करेंगे, वो भी सुरक्षा दिए थे, तो एक धर्म विशेष को लेके चलने वाले लोग थे, उनकी क्या बात करेंगे आप? आम इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है सर? वो तो जाहिर सी बात है, हम एक आम इंसान ही हैं, यहाँ लखनऊ आके खड़े हैं, तो ऐसे नहीं हम भी रोजी रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, चार पैसा कमाने के लिए हम तो गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए आए हुए हैं भैया यहाँ पे। लेकिन फिर भी एक है कि जैसे बताया ना कि हमने तो मायावती शासन में भी गाड़ियाँ भी चलाई थी और तमाम भी काम किए थे, अखिलेश यादव के में भी काम किए थे, लेकिन आज भाजपा सरकार में योगी के राज में भी काम कर रहे हैं, तो काम करने का दूसरा यहाँ ये है कि जो मेहनत करके कमाने खाने वाला है आज भी उसको कोई तकलीफ नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। लेकिन जिनको हराम की खाने की आदत पड़ी है तो उनको तो भैया कभी संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता है कभी भी। लोगों का कहना है कि जो है राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दिया जाएगा क्योंकि लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सरकार में और राष्ट्रवाद के नाम पर एक बार फिर से वो बीजेपी की सरकार जानते हैं चाहते हैं। हम और भी लोगों से बात करते हो जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नागेंद्र यादव। भाई साहब विधानसभा चुनाव करीब है और सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं, तो ऐसे में आम जनता जो है वो किस तरीके से जो इस चुनाव को देखती है, उसकी क्या राय है? देखिए जनता जो है ये इस करंट सरकार से एकदम त्रस्त है, ना कोई रोजगार है, ना तो कोई महंगाई जो है कि रुक रही है, ये लोग सारे मुद्दे पे फेल हैं, इसलिए इस बार आम जनता का यही मूड है कि श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार एकदम तय है और आना ही है। इस सरकार में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो छूट गए हैं, जो जनता के नहीं, विकास योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, या किन किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट दी? देखिए इस सरकार में केवल कथनियों में बहुत डिफरेंस है, कह करके कुछ नहीं किया गया, न तो महंगाई को रोका गया, न तो जो है कि किसान के मुद्दे, देखिए किसान मर रहे हैं, कुछ नहीं किया गवर्नमेंट कर रही है, यानी हर मुद्दे पर देखा जाए तो जो है कि गवर्नमेंट फेल है। बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार कुछ नहीं किया है। डेवलपमेंट के मुद्दे पे कहना चाहेंगे कि कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट नहीं किया। योगी जी के द्वारा लगातार कई योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण डेली किया जाता है, अलग अलग जिलों में उनके कार्यक्रम लगे होते हैं, पिछले महीने से बात की जाए तो लगातार वो लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, अगर विकास नहीं हुआ तो किन चीज़ों का लोकार्पण और शिलान्यास? जी देखिए ये जो है कि कुछ पुराना ही सब काम है जो जिसका लोकार्पण किया जा रहा है, जिसका श्रेय गवर्नमेंट लेना चाहती है, नए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, जितने प्रोजेक्ट हैं सब ओल्ड प्रोजेक्ट हैं, उसी का शिलान्यास हो रहा है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा? एकदम परिवर्तन देखने को मिलेगा, तीसरी पार्टी की सरकार बनेगी, अब जो भी पार्टी हो, लेकिन ये इस सरकार की नहीं बनेगी जो चल रही है। आप क्या चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार बने, किसने काम किया है आपके? देखिए इसका तो जो है कि सोल्यूशन गवर्नमेंट जो है सॉरी जनता देगी, लेकिन हम लोग तो यही चाहते हैं कि सरकार आए, बेरोजगारी दूर करे और आपका महंगाई पे कंट्रोल करे, नए नए जो है कि वैकेंसियाँ निकालें जो जिससे बच्चों को रोजगार मिले, ठीक है, यही हम लोग चाहेंगे। तो समाजवादी पार्टी बेटर बेटर बेटर। जी जी और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या मानना है। भाई साहब क्या नाम है? आई एम मिस्टर विनोद कुमार वाल्मीकि। इस बार विधानसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, सभी पार्टियां अलग अलग सम्मेलन कर रही हैं, तो इसमें आम जनता जो है उसका क्या मानना है, वो इस बार किस तरह झुका होगा? जनता हम भी हैं, जनता जो भी है वही सब हमारे अपने हैं और उन्हीं जनता में से हम भी एक हैं, पर ये कहना था अगर जनता का भला ही किया जा रहा है तो जनता के बीच में आकर के भला करें। क्या मतलब जनता के बीच में जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं जिनको जनता चुन के भेज? जनता ही चुनती है, पर ये होता है कभी कभी गलतियां तो सभी से हो जाती हैं, बड़ों से छोटों से, हमसे भी हो जाती है, तो ये चाह रहे थे कि ना हो करके भाई आ करके वो कुछ अच्छा बुरा दे करके तब सुझाव लेते किसी को भेज करके। अभी जनता के बीच में जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं और वोट लेने के बाद 5 साल बाद ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का समय चल रहा है, अभी तो जनता के बीच में सभी प्रतिनिधि जा रहे हैं, इस पर क्या कहना? मैं ये कह रहा था अपने विषय में सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट कोई भी आए या कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कभी सफाई कर्मचारी को देखने नहीं आते,
बस ये होता है सफाई देखने चले आते हैं। नहीं तो इस बार मुख्यमंत्री ने कई सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया है, जो है उनका अप्रिशिएट भी किया है, तो ऐसे में आप ऐसे कैसे, योगी जी ने तो सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया है। हाँ सम्मानित तो कर दिया है, पर हम वही तो चाह रहे थे कि जैसे कि सम्मानित कर दिया है, अब ये अगली वैकेंसियाँ का पता ही नहीं चला अभी तक, मतलब बेरोजगारी है, बेरोजगारी। तो इस बार विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे और किसकी सरकार बनाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को। मैं बीजेपी की सरकार फिर से चाहते हैं, लेकिन रोजगारी के मुद्दे पर काम करें। बस और क्या, और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी क्या राय है, और उनसे बात करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जनता जो है वो किन मुद्दों पर वोट देगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद मिश्रा। विनोद जी, विधानसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, ऐसे में आम जनता का क्या मानना है, वह किस मुद्दों पर वोट देगी? आम जनता का मानना है कि बीजेपी सरकार हमारे यहाँ काम कर रही है, लेकिन आम जनता जो और विधानसभा का चुनाव है, पार्टियां हैं अलग अलग अपनी जो है कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, जिसमें जागरूक लोग जो हैं वो बीजेपी को चाहेंगे, और जो अभी भी बहकावे में हैं लोग, कुछ आम पार्टियों के बीच में बैठकर या आम जनता के साथ बैठ करके, वो आम पार्टियों के बीच में रह करके उनका जो है गुनगाती हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कोरोना काल को लेकर के काफ़ी कुछ सुधार में किया है। कोरोना को लेकर के बीजेपी सरकार ने काम किया, तो इस बार विधानसभा चुनाव करीब है, तो किसको वोट देंगे, किसकी सरकार बने? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा रंजीत वाल्मीकि नाम है। रंजीत जी, विधानसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टियां तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आम जनता का क्या मानना है, आम जनता की क्या राय है उधर? आम जनता तो है ही है, लेकिन जब हमारे वाल्मीकि समाज के जहाँ जहाँ ठेकेदारी है, जो सरकारी जगहों पर है, हमारे योगी जी अगर उनको परमानेंट करें, उनको उनके बच्चों को रोटी दे, तो हमारे वाल्मीकि समाज लखनऊ उत्तर प्रदेश में उनका जीतने का पूरा हक हो जाएगा। हमारे समाज का कोई योगदान नहीं हो रहा, हर जगह ठेकेदारी हो रही है। तो बीजेपी वाल्मीकि समाज के लिए काम नहीं कर रही? सबके लिए कर रहे हैं, जो सरकारी जगहों पर ठेकेदारी है, ठेकेदारी की वजह से हम लोग कम पैसा पा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन पा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। मतलब एक बेरोजगारी बड़ी समस्या है, बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा। नहीं, 6,000-7,000 में हमारे बच्चों का पालन पा रहा, हमारे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के शिक्षा मुक्त कराना। जब हमें पैसा मिलेगा तो हम सब कुछ कराएंगे, तो हमको कायदे की नौकरी मिलेगी सरकारी विभाग में या सफाई कर्मचारी में, हमारे वाल्मीकि समाज को कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इस बार जो आप लोग हैं, किन मुद्दों पर, कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे? जो हमारे इस समय सरकार बनी हुई है, हमारे योगी जी हैं, अगर उन्होंने हमारे वाल्मीकि समाज को सही तरीके से सही जगह पर लगाएंगे, हर जगह विभाग में नौकरी देकर। अब तो सब चुनाव करीब है ना, तो इस बार चुनाव में किसको वोट देंगे, किससे उम्मीदें ज़्यादा हैं कि कौन काम? उम्मीद जो इस उम्मीद के लिए हम नहीं कह सकते हैं, जैसे काम है वैसा उनका भाव होगा, हम उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम माता प्रसाद है। माता प्रसाद जी क्या करते हैं आप? जी हम तो ऑटो भी चला लेते हैं, ई रिक्शा भी चला लेते हैं, कोई भी गाड़ी खाली रहती तो चला लेते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टियां चुनावी तैयारियां कर रही हैं, सभी वर्गों के साधने में लगी हुई हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या उम्मीदें हैं सरकार से, ऐसे लोगों की, और किन मुद्दों पर ऐसे लोगों? हम तो यही कहते हैं भैया सरकार बदलनी चाहिए, और हम लोग गरीब आदमी, हम लोगों के लिए कुछ मिलता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है, हमारी तो यही राय है। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव करीब है, तो ऐसे में किस पार्टी को वोट देंगे, किसकी सरकार? भैया हम तो सोच रहे हैं कि बहन जी की सरकार बनाएंगे। जी बहन जी ने काम किया था, रोजगार दिया? बहन जी ने काम दिया, उनका शासन बहुत टाइट था, इसलिए हम उनको वोट देंगे, जीते या ना जीते वो उनकी इच्छा है, लेकिन बहन जी को सपोर्ट करेंगे। बहन जी की सरकार थी तो क्या ये जो समस्याएं अभी हैं, ये समस्या तब नहीं थी? समस्या थी लेकिन उतना नहीं थी, वो गरीब आदमी बहुत सुनती थी, जी उनका शासन भी बहुत टाइट था, इसलिए। तो इस शासन में क्या ऐसी कमियां रह गई कि आम जनता की, गरीबों की सुनवाई नहीं हो पाती? हम लोग तो दिहाड़ी मजदूरी करते थे,
ऑटो भी चला लेते थे, किसी तरह से अपना घर परिवार चलाते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। लेकिन इतना महंगाई कर दिए हैं कि हम लोग को खेत पात में है तो अनाज पानी बहुत सस्ता बिकता है, पैसा वाली प्रॉब्लम कम ही हो जाती है, तो इसलिए हमको लोगों को सहारा आना पड़ता है कमाने के लिए। सरकार तो लोगों के लिए काम कर रही है और उनका लगातार कहना है कि हम जो है आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं, हम लोग तो ऐसे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, आवाज़ विकास कुछ मिला ही नहीं, कॉलोनी सालोनी कुछ मिली ही नहीं गाँव में, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं, काम करते हैं। सतन जी, इस बार विधानसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टियाँ चुनावी तैयारियों में लग गई हैं, ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है, क्या राय है विधानसभा? ठीक है, मोदी जी भी जो है से मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं गरीब आदमी के लिए एकदम काम सही कर रहे हैं। मोदी जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है तो उत्तर प्रदेश की सरकारों की बात की जाए तो कितना विकास हुआ और इस बार किन मुद्दों पे आप लोग? वो तो जब टाइम आएगा तो अभी कैसे बता दें। अच्छा, इस सरकार ने कितना विकास? अरे बहुत किए, जो भी कुछ किए सही किए। अब गरीब आदमी तो भैया जो गरीब है तो गरीबे रहेगा, लेबर मजदूरी सब कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा दिए है, यही सब प्रॉब्लम है, बस हो गई यही बात है। अच्छा, इस बार परिवर्तन होगा या यही सरकार रिपीट होगी, इतना बता। अब ऐसे कैसे कह दें हम? नहीं, आप लोग जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बने, क्योंकि मतदाता सर्वोपरि है, मतदाता है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि योगी सरकार काम कर रही है। और कुछ लोगों ने जो है दूसरी पार्टियों की भी तारीफ की और दूसरी पार्टियों को भी अप्रिशिएट किया कि दूसरी पार्टियां इससे बेहतर काम कर रही थी। तो ऐसे में एक जो है विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव इस बार का काफ़ी अहम होगा, काफ़ी दिलचस्प ये विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी, लखनऊ।